अब हर कोई इंसान आईपी की आवाज पाए। पहले हमें ये अच्छा नहीं लग रहा था सुन के, मतलब किसी भी आंसर को अच्छा नहीं लग रहा, अपना बिजनेस कम करते हुए किसी को भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन जस्ट टू लेट यू नो, और इससे आपको विश्वास होगा कि बड़ा बिजनेस एक बहुत फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इंटीग्रिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारी, इंटीग्रिटी पे कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता मैं। मतलब आप मेरे ऊपर ये सवाल खड़ा कर सकते हो पारितोष एक अच्छा करोड़पति है या नहीं है, वो हाँ वो मैं नहीं हूं, लेकिन आप मेरी इंटीग्रिटी को क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये तो मतलब थोक बजा के बोलता हूं। तो भाई साहब ऐसा है कि आईबीसी 3.0 जो हमारा आज तक का आईबीसी का प्रोडक्ट था, मतलब कोई भी आईबीसी बन सकता था, जिसने पैसा दिया वो आईबीसी बन गया, सिंपल। अब वो बंद हो रहे हैं, उसकी आखिरी तारीख है 30 सितंबर, विच इज 30th ऑफ दिस मंथ। 30 तारीख के बाद यानी 30 सितंबर रात को 12 बजे के बाद, विच इज 1st ऑफ अक्टूबर, 1 अक्टूबर से आईबीसी बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो हम क्यों कर रहे हैं उसका लॉजिक बता देता हूं। उसको हम कह रहे हैं आईबीसी 4.0। ये क्यों मुश्किल हो जाएगा? क्योंकि हमने आपका फीडबैक लिया, हमने आपका फीडबैक सुना और हमने इस प्रोडक्ट को ही चेंज कर दिया। अब आईबीसी बनने से पहले आपका एक एग्जाम होगा, आपको 30 सवालों के जवाब देने होंगे। ये एग्जाम एक ऐप पे होगा, आपको लॉगिन करना होगा, लॉगिन करने के बाद आपको हम वैलिडेट करेंगे। आपके पास कम से कम 12वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपको इंग्लिश का, डिजिटल मार्केटिंग का और बिजनेस स्ट्रेटजी का एग्जाम देना होगा। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, इंग्लिश भाषा का, बेसिक इंग्लिश भाषा, डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स और बिजनेस स्ट्रेटजी का एग्जाम देना होगा। ये पेपर आज बन रहा है फिलहाल, एचओ में लीक नहीं करूंगा, राइट? और हर एक पोटेंशियल आईबीसी को ये करना होगा, करना ही होगा। जब आप टेस्ट में कम से कम 70% मार्क्स लेकर आएंगे तभी आप आईबीसी बन पाएंगे, वरना हम आपको धन्यवाद कर देंगे। इससे आपको एक बात तो समझ आ गई होगी, बड़ा बिजनेस एक बहुत सीरियस कंपनी है। तब ऐसे नहीं किसी को भी, भाई आज तू भी एंटरप्रेन्योर बन जा, सर आप भी बन जाओ, 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 आपको पैसा है सर आप भी आ जाओ, आप सारे आ जाओ, ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें इंश्योर करना है कि जो हम नेटवर्क क्रिएट करें वो MLM जैसा ना बन जाए, इसलिए सर मैं बोल रहा हूँ।